21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। हम चारों तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, जिसमें एक दूसरे से बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और बाकी सभी कामों के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। इस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है और जब बात कंप्यूटर की आती है तो प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि सभी को एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करना आना चाहिए, क्योंकि यह आपको सिखाता है कि आपको सोचना कैसे है। आजकल प्रोग्रामर की हर क्षेत्र में जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने प्रोग्रामिकल्स को सुधारें। अपने करियर को सुधारने का एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोग्रामिंग सीखना, लेकिन एक बढ़िया प्रोग्रामर बनना इतना आसान नहीं है। कई सारे कोडर्स और प्रोग्रामर्स अपनी लाइन में बाकियों से अच्छा करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिसमें आप भी बेस्ट कोडर बनकर अपनी लाइन में बढ़िया कर सकते हैं, और अंत में कुछ गलतियां बताएंगे जो नए कोडर अक्सर किया करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले ट्रेडिशनल टैग स्वागत करता है आपका आपके अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स या कोडिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पहली बात, आत्मनिर्भरता। कोडिंग सीखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए, ऐसे ही कई सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लाखों तरीके मौजूद है कोडिंग सीखने के लिए, ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से सीखना चाहते हैं। सीखने के समय कई सारी दिक्कतें आएंगी और आप इसे छोड़ना चाहोगे, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे सीखते जाते हो तो आप एक बेहतर कोडर बन सकते हो। दूसरी बात, लैंग्वेज। कोडिंग सीखने के लिए कम से कम आपको एक प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री में ये सब सीख सकते हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको एक टाइम में एक ही लैंग्वेज पर फोकस करनी चाहिए। जब एक लैंग्वेज अच्छे से आ जाए तभी दूसरे को सीखना चाहिए। सब सीखने के चक्कर में कोई भी पूरा नहीं हो पाता, जिससे आपकी कोडिंग कभी भी बेहतर नहीं हो पाती है। बिगिनर्स को तीन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, पाइथन, रूबी और जावास्क्रिप्ट। तीसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पढ़ें। किसी ने कहा है कि कोडिंग में जीनियस होने से पहले आपको रीडिंग में जीनियस होना पड़ेगा। अगर आपको कोडिंग के जरिए बेस्ट प्रोग्रामर बनना है तो आपको ये बात समझना होगा कि जितना आपके लिए अपना कोड लिखना जरूरी है, उतना ही आपको दूसरों का कोड पढ़ना भी जरूरी है। जब आप दूसरों का कोड पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि दूसरे लोग प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। आपको उन कोड्स को सीखने की ज़रूरत होती है। चौथी बात, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील्ड में आना चाहते हैं और सीखना शुरू करते हैं, शुरुआत में अक्सर कोडिंग में दिक्कत आती है, चाहे वो एरर्स को सॉल्व करने की दिक्कत हो या कोडिंग को समझने की दिक्कत। इसके पीछे का मेन वजह है बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना होना। पांचवी बात, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। हमेशा शुरुआत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें, जैसे सी, सी प्लस प्लस। शुरुआत में आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से आपको कोडिंग में बेसिक समझने में आसानी होती है, जो बाद में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं और पीछे रह जाते हैं। पहली बात, थोड़े में ही खुश हो जाना। अगर आपको बेस्ट कोडर बनना है तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आपको जितना भी आता है बहुत कम है और अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बड़े और उलझे हुए कोड्स बनाना। बिगनर्स अक्सर थोड़े बहुत सीखकर बड़े बड़े कोड्स लिखने की कोशिश करते हैं और उसमें एरर आने पर पता ही नहीं कर पाते कि क्या गलती हुई है। ये कोड्स इतने उलझन भरे होते हैं कि इसे सुलझाने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए शुरुआत में हमेशा छोटे कोड्स लिखें। जैसे जैसे सीखते जाएं वैसे वैसे कोड्स भी बड़े करते जाएं। तीसरी बात, बिना प्लान के कोड्स लिखना। बिगिनर्स कोड्स लिखने में कई बार इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि वे बिना किसी प्लान के लिखने बैठ जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। प्रोग्राम में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम कैसे काम करेगा, जैसे कई बातों का वह ध्यान नहीं रखते। इन गलतियों से बिगिनर को बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बेस्ट कोडिंग से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए पूरे मन से उसमें लगना होता है। कोडिंग आज की डिमांड है और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। तो अपने स्किल को प्रैक्टिस के जरिए जितना इम्प्रूव कर सकें करें।
अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई फ्रेश वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।